वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वापस से रिकंटिन्यू करते हैं। अचानक से पता नहीं क्रोम को क्या हो गया था, अचानक ऑफलाइन पड़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था, शायद टच हो गया होगा कुछ। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके और ज़्यादा गेम प्ले की वीडियो बनाओ। वो बना तो दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर के बाहर जाना पड़ता है पोकेमोन गो खेलने के लिए, पोकेमोन गो खेलने के लिए, क्योंकि इसमें जो है GPS और नेट दोनों लगते हैं और दोनों को एक साथ चलाना पड़ता है रोड के ऊपर, यानी जब हम ऐसे नॉर्मली टहल रहे हैं तब। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि CV वायरस है, तो उसके वजह से घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, साफ सुथरे रहो और लोगों से दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। चमाल बिजली कड़क में यहाँ से पतली गली से निकलता रहे बाबा। तो घर पे मैं ऐसे ही नहीं खेलता घर पे, मतलब मेरा GPS ऑन था और GPS ऑन होने के वजह से जो भी मेरे आसपास घर के आसपास जितने भी पोकेमोन दिखाई दे रहे थे या जो भी थे, तो उसको मैं कैच करके पकड़ रहा था। तो बहुत सिंपल सा गेम है, एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ तुम्हारे तक ही होगा, बाकी किसी थर्ड पार्टी को ना जाए, इसका मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। इस पे घर में बैठने वाला सिस्टम नहीं है, मतलब बैठे बैठे खेल लिए, पबजी है या COD है या MFF जैसा, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा लेके बाहर घूमना पड़ता है, मोबाइल को साथ में रखना पड़ता है, तब जाके मिलता है। पर इसके चक्कर में 2-3 महीने ऐसे बहुत से ऐसे केसेस सुने कि कई लोगों के ऐसे चलते समय गिर गए, लग गई चोट, लग गई और बहुत कुछ हुआ है। तो मैं नहीं चाहता इस गेम को ज़्यादा कोई गलत तरीके से ले या गलत वे में लेके जाए, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। बस उसको मैंने खेलना था तो खेल लिया और उसका गेम प्ले डाल दिया, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लो मत। मेरे को ज़्यादा गेम पसंद नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस फ़ैन हूँ, बस पसंद है, कभी कभार तो देख लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ज़्यादा मैं रोज़ रोज़ डेली डेली नहीं खेलता, क्योंकि वो खेलने में कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और अकेले में रहना चाहिए, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। और HACK ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो नॉर्मल चलाओ, नॉर्मल खेलो। ओके, लास्ट टाइम इन जून, वाव। भाई मैं ऐसा बना नहीं सकता, लेकिन बना दूंगा अगर अगले, अच्छा ठीक है, मैं एक टारगेट देता हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो तो पोकेमोन के ऊपर मैं पूरा एक अपना एक्सपीरियंस वाला जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा। तो 10,000 सब्सक्राइबर करवाओ और वीडियो को शेयर करो और उस बंदे तक जो पोकेमोन का लवर है। हाँ, ये पोकेमोन गो है। हाउ टू पोक ऑन पोक स्टॉप ऑन पोकेमोन गो, इसका सिंपल सा आंसर है। बस थोड़ा एक याद रखो कि अपने एरिया के आसपास सेफ और सुरक्षित जगह हो, वहाँ तक जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद में जो कांटेक्ट एरिया है, जितना भी वो कांटेक्ट एरिया मांगता होगा GPS लोकेशन से पास जाने के लिए, वहाँ पे जाओ और जो उसकी वो जो भी चीज़ है उसको राउंड करो, उसे आइटम निकलेगा, आइटम कलेक्ट करो और पतली गली से निकल लो। भाई दक्ष भाई, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। बाकी लोगों के हिसाब से मैं स्पीक कर देता हूँ, तुम लोग को मदद चाहिए मैं मदद करवा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम वही घूम फिर के वही आती है कि बोले तो बोले कैसे और करे तो करे कैसे। नेट मार्बल वालों को हिंदी समझ आती नहीं, फॉरेनर वालों को हिंदी समझ आती नहीं, मैं हिंदी में बोलता हूँ कुछ लोगों को समझ आती नहीं, तो
तो फिर घुमा फिरा के एक ही चीज पर अटक गए ना, हिंदी आती नहीं। इसलिए थोड़ा सा हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखा देता हूँ, उसको देखो, सोचो, समझो, अच्छे से खेलो और शेयर करो बाकी लोगों तक। 10,000 सब्सक्राइबर पे नए वीडियोस आएंगे, तो 10,000 सब्सक्राइबर वो जानने चाहिए अगस्त महीने एंडिंग तक। मालूम है बहुत बड़ा टारगेट रखा है मैंने, इतने जल्दी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे मिल के, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी हो जाएगा। शैडो डेथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। बाप रे, 4 साल से खेल रहे हो पोकेमोन, बाप रे, एकदम ज़्यादा मत खेला करो और HSC के चक्कर में मत पड़ना, वरना लेने के देना पड़ जाएंगे। सेफ और सिक्योर खेलो और बाहर मत निकलो घर के, हो सके तो पोकेमोन गो को रहने दो। आमिर भाई ट्राई करके देख लो, मैं देखता हूँ, वो अगर पॉसिबल हुआ तो ले लूँगा। हाँ, वो कुछ और लेजेंडरी बैटल मोड था, उसके अंदर मैंने एक वॉर मशीन का जो फाइट थी वो मैंने तकरीबन 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद में, काफ़ी कुछ मैंने अपग्रेड चेंजेस करने के बाद में वॉर मशीन के अंदर बेसिक वाला जो गियर अपग्रेड हुआ है, स्वेट सब चीज़ें, वो सब स्किल्स गियर्स वगैरह सब अपग्रेड करने के बाद में काफ़ी लेट क्लियर हुआ। तो उसके लिए आपको स्टेज को समझना पड़ेगा और डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा अटैक कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, और स्टेज में कहाँ भाग सकते हो, किधर भाग सकते हो, कब, कैसे, किधर, कैसे, कब और एग्जैक्टली कैसे, तो उसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने गेम प्ले दिखाया सेम वैसा करो, और एक्सट्रीम पैक अगर लिया होगा तो ट्राई कर सकते हो, वैसे नॉर्मल मोड में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो ट्राई कर सकते हो। सेम आयरन मैन के साथ में बोलूँगा कि आयरन मैन का जो लेजेंडरी पैक है, लेजेंडरी एक्सट्रीम पैक है, उसके अंदर भी आयरन मैन को भी सेम अच्छे अपग्रेड, अच्छे स्किल्स, अच्छे गियर्स होने बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़ी तो 70 भी कर देना अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास में 70 है तो उसके गियर्स 25 कर देना, उसके बाद में उरू, आइसवेट और बाकी की चीज़ें और मटेरियल थोड़ा जमा करके उसको अच्छे से अपग्रेड कर लेना, और फिर लेजेंडरी पैक में जाके उसको
स्टेज में एंटर होने के बाद में उसको रिट्राई करना और स्टेज को अच्छे से प्रॉपरली प्रैक्टिस करके स्केल नंबर 3 को कैंसिल करके स्केल नंबर 4 को दबा के अच्छे से थैनोस की कुटाई करना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर। तो 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ नया कुछ धमाल। तो फटाफट काम पे लग जाओ और सब्सक्राइबर इंक्रीज होने चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। तो चलो काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको फटाफट। धन्यवाद।